everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. So today again I am back with another few interesting craft जिसमें मैं आपके साथ share करने वाली हूँ using waste materials. तो आप सबको जो मुझे बहुत दिनों से follow करते हैं उनको पता ही होगा कि मुझे waste materials से craft create करना कितना पसंद है. मैक्सिमम थिंग्स में वेस्ट मटेरियल से ही क्रिएट करती हूँ. एंड इनफैक्ट मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि लोग कितना अनक्रिएटिव कैसे हो सकते हैं. मतलब सारे सामान फेंक ही देते हैं ऑलमोस्ट डस्टबिन में. मुझे लगता है कि अगर मेरे पास इतने सारे वेस्ट होंगे तो मैं तो पता नहीं कितने ही वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट क्रिएट कर लूँ. तो इसलिए मुझे लगा कि आप में से भी बहुत जन इसको एग्री करते होंगे कि हमें कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें उसे रिसाइकल या यूज करना चाहिए. सो विद दिस कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स. आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर मूविंग ऑन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दो एंड नाउ पूरा वीडियो एंजॉय करो. आई होप ये सारे के आउटकम्स आपको बहुत ही अमेजिंग. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ये एक केक बेस. केक के बाद ये बेस को भी आप रख सकते हो एंड देन इससे आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो. मैंने तो काफ़ी सारे इस तरह के क्राफ्ट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है एंड आज भी मैं आपके साथ जो ये आइडिया शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो इस तरह के केक बेस जो MDF बोर्ड का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ये स्मूथ होता है इसका सरफेस. तो इस पर आप इजीली पेंट वगैरह या कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो तो आप कर सकते हो. तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो फॉयल था उसको मैंने रिमूव कर दिया है. थोड़ा मुझे टाइम लग गया था बिकॉज मैंने यहाँ पर वाटर अवॉइड किया. वाटर आप इससे थोड़ा सा डैप करके एंड देन इसको ईजिली निकाल सकते हो. बट मुझे लगा कि ये कार्डबोर्ड का बेस मुझे एकदम स्मूथ चाहिए था तो इसलिए मैंने वाटर का यूज़ नहीं किया. थोड़ा पेशेंटली इसके ऊपर का सरफेस मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है. अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेसो. क्योंकि मुझे इसके ऊपर पेंट करना था तो मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया. बट देन बाद में मुझे लगा कि क्योंकि मैं डार्कर शेड्स ही यहाँ पे करूँगी तो इसलिए अगर मैं जेसो अवॉइड भी करती तभी भी चलता. तो अगर आप लाइट कलर से कुछ भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जेसो डेफिनेटली अप्लाई करना. बट अगर आप कुछ डार्कर शेड्स यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस आप ये वाला स्टेप को स्किप भी कर सकते हो. अब यहाँ पे बहुत ही मैंने इसमें बेसिक सा एक एलिफेंट मोटिफ रखा है क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड देन इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मैं ऐड करूँगी जिससे ये जो डिज़ाइन है ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल गया है. तो चलो सबसे पहले एक्रिलिक पेंट से इसको पेंट करते हैं एंड देन देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स ऐड किया है जिसके वजह से ये जो वॉल हैंगिंग है ये एकदम कम्प्लीट लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है. अब यहाँ पे जब सारे एक्रिलिक पेंट्स अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर एक 3D आउटलाइनर के हेल्प से मैं यहाँ पे गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ. वैसे तो डिज़ाइंस एंड कलर्स ये सारे बिल्कुल ही ऑप्शनल है. आप चाहो तो कोई सा भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैं बेसिकली एक एलिफेंट इसलिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर ये बोर्ड मैं बना रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मुझे नहीं चाहिए थे. एक
बस ऐसा एक फोकल पॉइंट चाहिए था जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एंड इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए जो बाकी सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उन सारे को मैंने थोड़ा सा गॉर्जियस काइंड ऑफ रखा है। लाइक जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये 3D आउटलाइनर गोल्डन कलर में, एंड बाकी छोटे छोटे मिरर्स का भी मैं यूज़ करूँगी सो दैट ये पूरा ही कम्प्लीट हो जाए। तो जितने भी डिटेल्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो सारे को मैं इस 3D आउटलाइनर से ही करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई भी कर सकता है। आप चाहो तो आप इसमें फिश मोटिफ बना सकते हो, आप इसमें पिकॉक मोटिफ बना सकते हो, आप इसमें कुछ भी फ्लावर्स लोटस वगैरह बना सकते हो, कोई सा भी अगर आप इस तरह के बेसिक एलिमेंट रख के एंड देन बाकी पूरे बोर्ड को अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। और ये एक ऐसा आइटम है जो आपके घर में किसी भी डेकोर के साथ ये परफेक्टली जाएगा, मतलब किसी भी ट्रेडिशनल जो भी आप कॉर्नर डेकोरेट करना चाहते हो उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से देखो कितना जल्दी ये कंप्लीट भी हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे इसमें नहीं लगा था, हार्डली 10-15 मिनट्स में ही मैंने इसको पूरे को कंप्लीट कर लिया था। ऑब्वियसली बीच बीच में ड्राइंग टाइम देना था, बट उसके अलावा बाकी सारे डिटेल्स तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा ईजी है। तो इन सब को जब अच्छे से ड्राई हो गया था तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का भी अप्लाई किया, बट वो स्टेप मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मतलब शूट नहीं किया था। उसके बाद जब वार्निश भी अच्छे से ड्राई हो गया था तो उसके बाद ये छोटे छोटे मिरर पीसेस मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसके बॉर्डर्स पे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे सेम कलर टोन में मैंने रखा है कुछ टैसल्स एंड कुछ पॉम्पम बॉल्स। तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। आई होप ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसको आप ज़रूर से ट्राई करना, बिकॉज बहुत इजी है ट्राई करना बट देन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है आपका भी ये आर्ट। तो आप भी इसको ट्राई करो और मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करना कि आपने किसको अपना कौन सा पर्सनलाइज टच दिया है। मुझे भी देखना है कि आपने इन सारे आइडियाज़ जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे को अपने तरीके से किस तरह से कस्टमाइज करते हो। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिर्फ आपको उसके लिए चाहिए कुछ जूट रोप, एंड ये सारे वेस्ट मटेरियल ही होते हैं, मतलब पहले वाला क्राफ्ट भी जो आपने देखा उसमें मोस्टली वेस्ट मटेरियल का जो बोर्ड है उसे ही मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ पे भी ये सारे जो जूट रोप होते हैं अगर आप इसको परचेस करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, 10 rupees में 3-4 स्ट्रिंग्स आ जाता है, एंड उससे आप पूरा एक इस तरह का जो पैटर्न मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो वाला आप बना सकते हो। सो सिर्फ 10 rupees में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस तरह का जूट रोप या कोई सा भी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ रोप आपके पास होता ही होगा तो आप उन सारे को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो काफ़ी सारे क्राफ्ट्स में जो कट करके एक्स्ट्रा वाला रह जाता है जिसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते वो वाला भी आप इस तरह से इसको अगर बनाते हो तो उस पर आप यूज़ कर लोगे। तो बेसिकली वो भी डिस्कार्डेड आइटम को ही आप यहाँ पे इस तरह से एक टेबल मैट काइंड ऑफ, या फिर इससे तो मैंने वॉल पे ही मतलब एक पूरा वॉल मैंने डेकोरेट किया है सेम इसी तरह के ही कुछ ऐड करके, तो आप वो वाला वीडियो चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी ऐड कर दूंगी। आप उस तरह से आप वॉल के लिए भी बना सकते हो, या फिर मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तो एक टेबल मैट काइंड ऑफ बना सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्कुलर रखा है, आप इसको चाहो तो आप इसको ओवल शेप में भी रख सकते हो, स्क्वायर रख सकते हो, जैसा भी आपको मन आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो। तो अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही रहता है कि इसमें बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे थ्रेड्स निकले हुए होते हैं, मतलब थ्रेड तो नहीं बट देन ये जो जूट रोप का ही जो रेशे होते हैं वही सारे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लाइटर से बर्न कर देती हूँ तो ये एकदम क्लीन हो जाता है, एंड इस पे जो भी ये एक्स्ट्रा रेशे हैं वो सारे ऐसे बर्न होके एंड एकदम क्लीन लुक आता है। तो देखो अब ये यहाँ कैमरा में तो उतना नहीं समझ में आ रहा है,
बट देन ये एकदम क्लीन हो गया था। अदरवाइज आप इसको अगर लाइटर से आपको लग रहा है कि ज़्यादा बर्न हो जाएगा तो इन दैट केस आप इसके ऊपर फेविकॉल का एक कोट अगर कर देते हो अच्छे से तो भी सारे रेशे जो है वो एक साथ स्टिक हो जाएंगे एंड देन एक क्लीन बेस आपके पास रेडी होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी पेंट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो बोहो आइडियाज़ में ट्राई कर सकते हो, इस पे आप चाहो तो कोई सा भी पेंटिंग ऐड कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा बोहेमियन स्टाइल में चाहिए था तो यहाँ पे मैंने इसलिए इस तरह से ही रखा है। एंड अगर आप इस पे कुछ ब्राइट कलर्स ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने जेसो का भी अप्लाई किया है, बिकॉज ये ऑरेंज कलर अगर मैं डायरेक्टली करती तो काफ़ी ज़्यादा कलर यूज़ करना पड़ता बिकॉज ये कलर चढ़ता नहीं, तो वाइट पहले सबसे पहले बेस कर दिया एंड देन उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब बाकी डिज़ाइन तो जैसा भी आपको मन आप ऐसा रख सकते हो, तो देखो कि किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये मैं क्योंकि टेबल के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्रिलिक पेंट से छोटे छोटे इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन कंप्लीट किया है। आप अगर इसको वॉल्स के लिए बनाते हो तो आप इसमें मिरर पीसेस ऐड कर सकते हो, आप इसमें पॉम पॉम्स ऐड कर सकते हो, आप इसमें टैसल्स ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आपका मन। बट मुझे ये टेबल के लिए चाहिए था तो इसको इस तरह से ही मैंने रखा है। इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ही ईजी है, क्विकली क्रिएट भी हो जाएगा एंड देन आपके पास भी इस तरह के यूनिक आइटम हो सकता है जो मार्केट से अगर आप लेने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसका भी फाइनल आउटकम देखते हैं। आई होप ये दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर से बताना कि ये सारे आइडियाज़ मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको कैसा लगता है, और आप अगर इसको क्रिएट करते हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करना। तो चलो इसको कंप्लीट भी करते हैं, इसका फाइनल आउटकम भी देखते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड यहाँ पे कैमरा में जितना डार्क आपको दिख रहा है सामने से जब आप पेंट करोगे तो शायद इतना डार्क ना लगे। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये पता नहीं शायद इतना डार्क नहीं लगेगा, बट देन जब ये ड्राई हो जाता है तो कलर बहुत अच्छे से पॉपअप होके निकल के आता है। बट जब आप इसको बनाओगे उस टाइप पे हो सकता है थोड़ा सा आपको ये लाइट लगे। तो ये आइडिया देखो कितना ज़्यादा ईजी है और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। आई होप आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं और इस तरह के आइडियाज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।